हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हमने एक बार चर्चा की थी कि नेक्स्ट है जो जो MBBS फाइनल के एग्जाम होने हैं वो 2023 में नेक्स्ट को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब इसको अगले सत्र से जो MBBS फाइनल की परीक्षा की जगह है, अब नेक्स्ट नहीं होगा। नेक्स्ट परीक्षा में एक और वर्ष की अब देरी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एग्जिट परीक्षा यानी कि नेक्स्ट की अवधि बढ़ाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के नियमों में जरूर बदलाव कर दिया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक NMC एक्ट 2019 में लागू होने के 3 वर्ष बाद यानी कि 25 सितंबर 2022 को के बावजूद आयोजित होने वाली यानी कि 2023 में होने वाली MBBS की फाइनल परीक्षा जो है उसकी जगह जो नेक्स्ट एग्जाम को कराने का कानून बनाया गया था। NMC ने अब तक ना तो उसमें सिलेबस तैयार किया था और ना ही इसमें ये फाइनल हो पाया था कि इसको कराएगा कौन, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो इस वजह से, इस लिहाज से स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्ट में बदलाव करके 3 वर्ष की जगह अब 4 वर्ष कर दिया है। ऐसा करने से NMC को तैयारी के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त कार्य यानी कि अतिरिक्त समय मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो 2023 में फाइनल ईयर में होने वाले थे तो उनको जो चिंता थी कि हमें नेक्स्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपका 1 साल डिले हो गया है तो अब जो 23 में फाइनल में आएंगे उनको नेक्स्ट नहीं देना पड़ेगा। जो आगे आएंगे, अब 4 साल की प्रक्रिया कर दी है तो आगे आने वालों का शायद अब ये नेक्स्ट लागू हो जाएगा, लेकिन अभी 1 साल के लिए इसको डिले कर दिया गया है पूरी तरह से। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।